बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद अमार यूट्यूब चैनल। और सारे दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और गल असी करिए एशिया कप की, एशिया कप के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उपर गल करनी है। उस तो पहले तुसी जिन्ने भी दोस्त पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, नवे आए हैं चैनल से, चैनल को सबसक्राइब जरूर कर दें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हुण गल करिए असी, क्योंकि असी थोड़ी जी गल इसलिए की है कि पाकिस्तानी टीम को कुछ ऐसा चीज़ा वा अगर उन्होंने काबू पा लिया तो पाकिस्तान एशिया कप जीत जाएगा। क्योंकि एशिया कप के सब तो ज़्यादा जी खतरनाक इस टाइम पाकिस्तान वाली टीम है वो इंडिया ही है। और असल जरा अगर देखा जाए एशिया कप का मुकाबला होना पाकिस्तान और इंडिया का ही होना, बाकी तो मतलब कह लो कि वो की कहते होंगे कि नागरिक तौर पर बाकी टीम खेल रही वा। हालांकि इन्हों चो अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है कि जी मतलब कि सरप्राइज कर सकती है इंडिया भी और पाकिस्तान भी, क्योंकि तुम देखे होना कि मतलब कि वर्ल्ड कप जो हो 2019 भी अफगानिस्तान तो पाकिस्तान मतलब कह लो कि बाल बाल ही जितया। बाल बाल का मतलब यह है कि मतलब रो रो के जितया, आखिरली मतलब अमाद वसीम खड़ा हो गया से, मेहरबानी की आखिरी जित गया। दूसरा जो 2021 का वर्ल्ड कप होया और आसफ अली का मतलब कह लो कि दा लग गया वाह वाह, क्योंकि मैं दा ही कहांगा आसफ अली का, लेकिन बड़ा प्लेयर है, पावर हिटर है, इसलिए मतलब कि दा भी उस बंद का ही लगता हूँ जो मतलब कुछ मतलब कि जेडे बंद कुछ कर मतलब सलाहियत होंगी है। आसफ अली को पावर हिटिंग है, इस वजह तो मतलब चार छक्के मार गए से और पाकिस्तान मतलब हालांकि उत्थे फस गया से मैच, लेकिन आसफ अली ने मैच काढ़ लिया से। अच्छा हूँ उही गल हो गई कि अस गल हूँ करिए कि पाकिस्तान को अगर ऐसा मतलब कि ऐसा चीज़ा अगर उन्होंने काबू पा लिया पाकिस्तान ने, तो मेरा ही ख्याल है कि पाकिस्तान ईजीली एशिया कप जीत सकता, चाहे वह अगर पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले इंडिया हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो। कि चीज़ा ऐसा है, लेकिन थोड़ा मैं एक गल अगर होर दस देव कि अगर यह इस चीज़ों के उपर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान हो सकता कि एशिया कप भी हार जाए और इंडिया तो मतलब कि बहुत ज़्यादा फिर चांस पाकिस्तान के हो जाने कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट भी हार सकता वो। मतलब सब तो पहली गल ये आ कि पाकिस्तान में इस टाइम मतलब कि ओपनिंग का इशू तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान की ओपनिंग T20 की परमानेंट पिछले 2-3 साल तो कर रहे हैं मुहम्मद रिजवान और बाबर आजम, और मुहम्मद रिजवान और बाबर आजम मतलब अच्छा स्टैंड दे, सिर्फ एक खामी उन्होंने ये है कि उन्होंने स्ट्राइक रेट के उपर काबू जरूर पाना पैना, क्योंकि स्ट्राइक रेट जो दोनों प्लेयर का होंगे बहुत ज़्यादा लो हों, मतलब 6 ओवर पावर प्ले के होंगे, 6 ओवर पावर प्ले के अगर कोई टीम तगड़ी हो तो वह केस जी बाबर आजम मुहम्मद रिजवान करते सिर्फ 30 तो 35 रन, अगर कोई आयरलैंड वगैरह हो या कि बांग्लादेश ही चलो कम से कम ला लो, फिर इन्हें तो चांस हों कि 40-45 रन या 50 रन मैक्सीम हो जाते, लेकिन मसला यह आ कि बाबर आजम और मुहम्मद रिजवान दोनों चो एक बंदे मतलब कि थोड़ा जि चांस लैना पैना हो, रिस्क लैना पैना और मतलब कि थोड़ा जहाँ चौके छक्के की तरफ जाना पैना। यह नहीं है कि तुम 6 ओवर पावर प्ले की विकटा ही बचानियाँ, एक कड़ा कोई 50-50 ओवर है, मतलब तुम विकट बचाने के चक्कर में अपना स्ट्राइक रेट डाउन कर लैन। सब तो पहला जी मसला यह है, ओपनिंग का मसला कोई नहीं है, ओपनिंग फिट आ। हालांकि शोएब अख्तर ने कहा कि बल्कि पिछले वर्ल्ड कप के दौरान भी कहा कि शरीर खान ओपनिंग ले लिया जाना चाहिए। दूसरी गल करिए जी फखर जमान की, फखर जमान का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सानू पता कि फखर जमान वनडाउन आते हैं और पिछला तुम वर्ल्ड कप देखिया कि असी सवाए मतलब आस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फखर जमान को रन नहीं हो सकता पूरे वर्ल्ड कप के, लेकिन शुगर यह है कि सैमीफाइनल में फखर जमान ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली सी और फखर जमान का चलना बहुत जरूरी। अगर फखर जमान ना चले तो पाकिस्तान मतलब कि मुश्किल हो जाएगी, और अगर फखर जमान चल गए तो मतलब यह है कि अगर 30-35 गेंदा भी खेल गए तो फखर जमान की 50 मतलब पक्की है। जी सब तो अहम गल यह है कि फखर जमान भी चल सकते हैं, लेकिन हूँ मसला यह है कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो इस टाइम है वो बिल्कुल ही मतलब नवा है, क्योंकि मेन मसला यह है कि शोएब मलिक भी है नहीं, मोहम्मद हफीज भी है नहीं, और इन्हें मतलब कि बड़ी कमी महसूस हो सकती पाकिस्तान, क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर से और जगह पर मेरा यह ख्याल है कि इन्हों पंजवें नंबर पर जोड़ा वा मेरा यह ख्याल है कि शादाब खान को खिला सकते हैं, लेकिन शादाब खान एक एक्सपीरियंस उन्होंने को है, लेकिन एक पंजवीं पोजिशन से मतलब कि इन्नी जल्दी उपर खेलन का कोई उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं है, खास तौर पर अगर 2-3 विकटा पहले गिर गई 8-10 ओवर तो शादाब खान भी मुश्किल हो सकती है। पाकिस्तान सब तो बड़ा मसला इस टाइम मिडल ऑर्डर का, उस तो बाद आना जी आसफ अली ने, और आसफ अली मेरा यह ख्याल कि आसफ अली आखिरी 5 ओवर ही बमुश्किल मिलिया करने, अगर आसफ अली क्लिक कर गए तो पाकिस्तान लिए बहुत अच्छा, अगर आसफ अली मतलब कि उसके हाथ खड़े कर गए तो फिर पाकिस्तान बहुत मुश्किल का सामना हो सकता। ये मतलब कि एक चलो खुशदिल शाह की गल करिए, खुशदिल शाह ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी पिछले 1.5 साल के अरसे तो, और PSL के मतलब कि ज्यादा शाइन उन्होंने चमक उपर आए आ, और खुशदिल शाह तो उम्मीदा बहुत ज्यादा, क्योंकि खुशदिल शाह ने आस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 2 इनिंग्स बड़ी जबरदस्त खेलियां सी और मैच पाकिस्तान ने मैच जितवाता सी,
खुशदिल शाह हो गए, शादाब खान हो गए, आसफ अली हो गए, ये तीन बंदियां ते इस टाइम बड़ी मतलब कि जिम्मेदारी है। अगर एशिया कप के अंदर यह तीनों बंदे फॉर्म दे गए, मतलब कि खेल के अच्छा खेल के पाकिस्तान नूं स्टैंड दे गए, तो पाकिस्तान मतलब कि वर्ल्ड कप जिहड़ा आने वाला अक्तूबर के उहदे विच अपनी टीम सेम रख सकदा और पाकिस्तान कोई मुश्किल नहीं पेश आनी। और दूसरी मैं यह गल करदा कि अगर पाकिस्तान यह मतलब कि मतलब कि एक तो इन्हों का मिडल ऑर्डर जरा बहुत कमजोर आ, अगर फखर जमा ये दो मतलब कि ना पाकिस्तान को चल सके तो पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि एशिया कप जीत सकता वा। और मैनू यह मसला लगता कि अफगानिस्तान जी मतलब कि स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा जबरदस्त और वर्ल्ड क्लास का स्पिन डिपार्टमेंट उन्होंने, खास तौर पर राशिद खान जो उन्होंने चार ओवर होंगे समझ लो उन्होंने तो 15-20 रन जी उन्होंने देना, इस तो ज़्यादा राशिद खान को मतलब कि तुम भुल जाओगे, तुम चौके छके राशिद खान को मार लोगे। इतने अफरीदी तो है नहीं है कि जिंद मतलब कि पहले कहते होंगे कि अफरीदी पिछले पे जे अफरीदी चल गया और जे वाली गल कोई नहीं, इतने पिछले है जी आसफ अली, और आसफ अली का तुम हाल देख लिया कि मतलब सवाए एक अफगानिस्तान के मैच तो उन्होंने मतलब एक साल हो गया, PSL तो PSL के भी उन्होंने कोई नहीं छके लग सके। और आसफ अली तो मतलब उम्मीदा तुम थोड़ी जी घट ही रखो, उम्मीद रख सकते लेकिन इन्निया ज़्यादा उम्मीदा ना रखो कि आसफ अली हर मैच के भी थोड़ा छक्के मार के देंगे, ठीक है जी। लेकिन साड़ियाँ बेस्ट विशेज यही कि आसफ अली छक्के जरूर मारो, पाकिस्तान मैच मतलब हर मैच पाकिस्तान के अंदर अगर उन्होंने बारी आती है तो पाकिस्तान मुश्किल हालात के कढ़ के लैके जा सकन, ठीक है जी। बाकी थोड़ा जहा बोलिंग का एक थोड़ा इशू यह है कि नसी मतलब कि शाहीन अफरीदी नहीं है, शाहीन अफरीदी मतलब कि एक शाहीन अफरीदी और बाकी पूरी मतलब कि बॉलिंग अटैक एक तरफ एक बराबर आ। चलो जी हूँ शाहीन अफरीदी नहीं है लेकिन कि बाकी भी तो खेले नहीं गए हुए हैं, उन्होंने भी कुछ करके दिखाना चाहिए। नसीम शाह हो गया, नसीम शाह मौका नहीं मिल रहा लेकिन मौका मिल गया, हूँ देखो कि नसीम शाह अपना कि परफॉर्मेंस देंगे। अगर नसीम शाह चल गए थोड़ा मैं दसा कि नसीम शाह का जोड़ा कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और दूसरा हारस रूप ये दो बॉलर से उम्मीद है मैंने, हसन अली से उम्मीद मैंने एड्डी कोई नहीं है, थानू है तो कमेंट करके जरूर दसना। यह दो तीन चीज़ा वा ओपनिंग का मतलब कि इन्हों इशू कोई नहीं है, ओपनिंग स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा करना, फखर जमान थोड़ी जिम्मेदारी दिखानी पैनी, और मिडल ऑर्डर जो पाकिस्तान का है ये मतलब कि अगर क्लिक कर गया परफॉर्म कर गया तो पाकिस्तान एशिया कप भी आने वाला वर्ल्ड कप भी जीत सकता वा। लेकिन अगर ये तीन चीज़ा मतलब पाकिस्तान दी नहीं ठीक हुई तो तुम इस फिर समझ लो कि वही हाल होना कि क्वार्टर फाइनल या सैमीफाइनल तक ही पाकिस्तान जा सकूगा, उस तो अलावा पाकिस्तान ने कहना अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, असं भी अल्लाह हाफिज़ कहने, कमेंट कर रहे हो जरूर और चैनल भी सब्सक्राइब करे हो, अगली वीडियो में मिलेंगे, बहुत सारा ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज़।